नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, डीजीटी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। उसमें दो तीन पॉइंट इन्होंने कवर किए हैं जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो दो तीन पॉइंट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और सबसे पहले मैं बता दूंगा आपको कि अगर आपको ये नोटिस डाउनलोड करना है तो मैं वेबसाइट पर डाल दिया है सब कुछ इसके बारे में, और अगर वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसमें बातें क्या कहा गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट इन्होंने दिया है, अगर मैं जो मेन मेन पॉइंट के देखो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो एक अपडेट जारी किया है वो एडमिशन को लेकर, जो आपके लिए सही है, मेन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जो अपडेट जारी किया गया है वो जो एडमिशन आपने देखा होगा, जो आईटीआई का एडमिशन अभी चल रहे थे हाल फिलहाल में, और उसके थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आईटीआई में अब की बार थोड़े से कम एडमिशन देखने को आपको मिल रहे हैं, है ना। बच्चे जो है एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं, तो इस वजह से जो इसकी लास्ट डेट है अब बढ़ा दी गई है। 18 नवंबर तक जो है आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं आईटीआई एडमिशन का। अगर आपके कोई भी दोस्त भाई हो एडमिशन लेना चाहे तो अब 18 तारीख जो है इसकी कर दी है लास्ट डेट, ठीक है। पहली बात तो उन्होंने ये कर दी। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट उन्होंने दिया है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट देख सकते हैं आप लोग, कि जो सेशन है आपका, जो रेगुलर क्लासेस हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, वो 22 नवंबर से स्टार्ट हो रही है। डियर, कब से? 22 नवंबर से, है ना। और जो 2021 के छात्र हैं, है ना, 2021-22 के छात्र हैं, उनका जो सेशन है 19/8/2022 को जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बारे में अभी इन्होंने एग्ज़ाम का तो बताया नहीं है कि इस महीने में एग्ज़ाम होगा, लेकिन इन्होंने किया है कि कंप्लीट जो है इस सेशन में हो जाएगा, उसके बाद फिर इनका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट दिया है, उसके बाद इन्होंने बात देख सकते हैं आप लोग कुछ वेरिफिकेशन के लिए बातें कही हैं कि इस डेट तक होनी चाहिए, ठीक है। और वेरिफिकेशन जो अपलोडिंग है ट्रेनिंग अप्रूवल के लिए इन्होंने कुछ बातें की गई है, वो तो अपनी आईटीआई जो है, आपकी आईटीआई जो है इसको कम्प्लीट करेगी, ठीक है। बाकी आप लोग इसमें कुछ पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं इस नोटिस में। और जो टेस्ट की रही मैं बात, अगर मैं बात करूँ पेपर की, तो उन्होंने अभी ऑल इंडिया फाइनल ट्रेड टेस्ट, है ना, फाइनल एक इन्होंने बात की है, तो 2022 में अप्रैल में बता रहे हैं, यानी कि 21 वाले, 2020 वालों का तभी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप टेंशन मत लेना, ठीक है। जो मतलब 2020 फाइनल की बात हो रही है, मैं ठीक है फाइनल की बात कर रहा हूँ, तो जिनका 2020 में फाइनल वगैरह है तो उनका अप्रैल 2022 में जो है टेस्ट वगैरह कंप्लीट, मतलब पेपर वगैरह लिए जाएंगे। लेकिन अभी तो फर्स्ट ईयर के बाकी हैं, फर्स्ट ईयर के नहीं हुए अभी तक, तो फर्स्ट ईयर के जल्दी आप लोगों के लिए लिए जाएंगे, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या सिस्टम है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर इस नोटिस का आपको पढ़ना है पूरा तो आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसको डाउनलोड कहाँ से करना है? वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। गूगल क्रोम में सर्च कर देना, और जैसे आप लोग सर्च करोगे तो आप लोग डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुँच जाओगे, ITExamYT.net के नाम से है, ठीक है। यहीं पर मैंने पोस्ट डाल सकते दी हो है कि ITI न्यूज़ टुडे डीजीटी का नया नोटिस, ठीक है। जैसे ही आप लोग इस पर हैं वो पर आप लोग पढ़ सकते हो, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ना कि डीजीटी न्यू नोटिस डाउनलोड, तो इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं आज की इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। नोटिस आपने देख लिया कैसे आपको डाउनलोड करना है, चाहे तो आप NCVT के मेन वेबसाइट पर जाकर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।